कि हम लोग जो है सिलेबस जो हम लोग नेक्स्ट लेशन है उसमें हम लोग मूव कर रहे हैं, तो वेपर पावर साइकिल का ही इसमें मेन सुन। हाँ बोलो, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना सर, ऋषि कुमार। तो भेपर इसमें हम लोग थोड़ा सा जो है भेपर पावर साइकिल का कंसेप्ट इसमें यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस भेपर पावर साइकिल में हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो है हम लोग बेसिकली इसमें वाटर यूज करते हैं ना, क्योंकि नाम है भेपर पावर साइकिल, तो ऑब्वियस हम लोग वाटर को जब हम लोग बॉयल करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, वेपर मिलता है। तो बेसिकली इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वाटर है। तो वाटर इज द आवर वर्किंग सब्सटेंस। वाटर यूज करने का सबसे मेन है कि वाटर जो है सबसे पहली बात ये चीप है, ये केमिकली स्टेबल है और ये हार्मलेस सब्सटेंस है ना। दिस आर एडवांटेज ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एक टर्म आता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक एस्टिंग कंजम्पशन। अब देखो स्पेसिफिक एस्टिंग कंजम्पशन क्या होता है ना, बेसिकली 1 किलोवाट। बेसिकली देखो क्या होता है ना कि हम लोग स्टीम पावर प्लांट में सबसे पहले जो है हम लोग वाटर को क्या करते हैं, हम लोग एक बॉयलर में स्टोर करते हैं और बॉयलर में स्टोर करने के बाद हम लोग उसको हीट करते हैं। वाटर के हीटिंग करने के बाद जो स्टीम मिलता है तो स्टीम में बहुत बहुत काफी ज्यादा एनर्जी होता है ना, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होता है। तो उसी हीट एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, जो भी हुई उस स्टीम को हम लोग टर्बाइन में उसको सेट करते हैं और टर्बाइन में उसको एक्सपेंड करवाते हैं। जो भी हीट एनर्जी है वो क्या होता है वहां पे, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसी मैकेनिकल एनर्जी को वहां पे हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हम लोग कपलिंग करके उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कहने मतलब क्या होता है ना, एनर्जी जो है ना एक फॉर्म से दूसरे, टर्बाइन में जो है जो उसमें स्टीम इन किया था उसमें क्या था, उसमें हीट एनर्जी था। उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या किए, टर्बाइन की हेल्प से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए और उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर जनरेटर के साथ कपलिंग करके हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए, है कि नहीं। जैसे तुम घर में, तुम जनरेटर वगैरह जैसे जैसे घर में देखते होगे, उसमें क्या होता है घर में, मतलब उसमें क्या होता है ना, उस जो है उसमें क्या, उसमें वो डीजल पे चलता है, वो डीजल जो बर्न होता है तो उसमें क्या होता है, बर्निंग के बाद उसमें उसमें भी हीट मिलता है। उस हीट एनर्जी से क्या होता है वो हम लोग मतलब जनरेटर को हम लोग वहां पर चलाते हैं और उसमें जो फ्लाई व्हील होता है तो उस फ्लाई व्हील में जो एनर्जी होता है ना उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उस फ्लाई व्हील में जो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाता है तो उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी साथ पर एक जनरेटर को हम लोग वहां पर कपलिंग कर देते साउंड हैं। ब्रेक साउंड ब्रेक हो रहा है, कुछ भी लग रहा था। अब सुनाई देगा, आवाज आ रही है? तो कहने का मतलब ये है, यस सर, हाँ कहने का मतलब ये हो गया, इस वेपर पावर साइकिल में सबसे पहले हम लोग यहाँ वेपर का प्रोडक्शन बॉयलर में होता है और बॉयलर में प्रोड्यूस करने के बाद उस वेपर को हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो हीट एनर्जी होता है उसको हम लोग एक्सपेंड करवाते हैं टर्बाइन ब्लेड पे और इसके बाद वहाँ पे हमको उसका मैकेनिकल एनर्जी मिलता है और मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, तो कहने का अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग एक वर्ड है उस वर्ड को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि पर 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट पावर प्रोडक्शन में जितना स्टीम फ्लो रेट है ना, स्टीम फ्लो रेट फॉर फॉर इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको जो है ना स्टीम फ्लो रेट फॉर पर किलोवाट ऑफ पावर प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है कि 1 किलोवाट पावर प्रोडक्शन के लिए दिस इज एम डॉट पाई पी नेट, है कि नहीं। पर किलोवाट पावर प्रोडक्शन के लिए जो है जो स्टीम का जो 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 यहाँ पे स्टीम फ्लो रेट होगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड बाई किलोवाट, है ना। 1 किलोवाट पावर प्रोडक्शन के लिए, पावर मीन्स प्रोडक्शन के लिए कितना स्टीम फ्लो रेट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये पावर नेट को जो है एम डॉट इंटू डब्ल्यू नेट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू नेट का जो होता है ना
डब्ल्यू नेट का यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। इसका यूनिट क्या होता है, डब्ल्यू नेट जो होता है किलो जूल पर केजी होता है, और एम डॉट क्या होता है केजी पर सेकेंड होता है। तो दैट मीन्स इसको जी हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा, है कि नहीं। जब तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ से जो है हम लोग इस, हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये पावर नेट को स्प्लिट कर लिए एम डॉट इंटू डब्ल्यू नेट में, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, ये केजी पर सेकेंड था और ये क्या हो गया एम डॉट के जी पर सेकेंड इंटू डब्ल्यू नेट, है ना। तो डब्ल्यू नेट जो हो गया यहाँ पे ये किलो जूल पर के जी, तो ये इस यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया दिस इज इक्वल टू, तो 1 बाई डब्ल्यू नेट के जी क्या हो जाएगा, केजी पल, केजी पर किलो जूल, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें आवर से मल्टीप्लाई करके आवर से डिवाइड कर देते हैं। यहां तो क्लियर है ना, किसको दिक्कत तो नहीं है, समझ पा रहे हो। ना सर, यस सर, यस दिस इज वन यस बाय डब्ल्यू सर, नेट, इसका यूनिट क्या हो गया किलो जूल पर केजी आवर, दैट इज दिस दिस केजी पर किलो जूल। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आवर से मल्टीप्लाई करके आवर से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग एक्चुअली लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस आवर को यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3600 सेकेंड तो लिख सकते हैं ना, 1 घंटा 36 सेकेंड होता है। तो अब देखो इस 3600 को क्या करते हैं हम लोग, इस 3600 को हम लोग ऊपर ले आते हैं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है, और ये सेकेंड जो है ये किलो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा किलो वाट, क्या हो जाता है ये हो जाएगा किलो वाट, और ये आवर यहाँ पे है ही तो किलो वाट आवर, डिनोमीटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे किलो वाट आवर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3600 बाई डब्ल्यू नेट के जी किलो वाट आवर। अब कहेंगे भाई इस यूनिट हम लोग यहाँ पे क्यों कन्वर्ट किए, इसके पीछे कारण है, हमारे पास जो SSC का जो फॉर्मूला था वो था क्या, मास फ्लो रेट पर हाँ मास फ्लो रेट पर किलो वाट ऑफ पावर जनरेशन, है ना, के जी पर सेकेंड बाई किलो वाट, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला था। अब इसको जो हम लोग लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, 3600 बाई डब्ल्यू नेट के जी बाई किलो वाट आवर, इसको दोनों फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मूला में एडवांटेज क्या है ना, कि किलो वाट आवर क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस वन, किलो वाट आवर क्या है एक्चुअली, ये यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। जैसे कि तुम लोग देखते हो घर में, तुम्हारे पास जैसे कि सबके घर में एक वो होता है मीटर होता है ना, उस मीटर में तुम देखोगे इलेक्ट्रिक का, उस मीटर में तुम वहां पर देखते हो कि किलो वाट आवर कर कैसे लिखा होता है, दैट मीन्स इसका मतलब होता है वन यूनिट, मतलब कहने का मतलब है कि 1 किलो वाट के अप्लाइंसेज यदि 1 घंटे के लिए रन करेगा, एक एक घंटे के लिए रन करेगा तो क्या होगा, उससे हमको 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। यदि तुम्हारे घर में सपोज दैट कि 100 वाट का, 100 वाट का तुम्हारे घर में, 100 वाट का, तो यदि तुम्हारे घर में टेलीविजन है, ये 10 घंटा यदि चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000 वाट हो गया। तो 1000 वाट यदि 100 किलो वाट का, 100 वाट का यदि टेलीविजन 10 घंटा यदि चलेगा तो ये क्या होगा 1 किलो वाट, और ये 1 यूनिट का इसमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होगा। यदि तुम्हारे पास यदि 1000 वाट का तुम्हारे पास हीटर है ना, 1000 वाट का तुम्हारे पास हीटर है, जैसे कि ये आयरन है और जिस हम लोग कपड़े को इसको करते हैं, यदि तुम्हारे 1 घंटा तुम यदि तुम आयरन को तुम यूज करते हो तो क्या होगा, इसमें 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किलो वाट आवर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जो है ना, हम लोग जो मतलब जो भी कंजम्पशन होता है उसका यूनिट होता है। तो क्या तो इस फॉर्मूला में इसका एडवांटेज क्या हो गया कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी ऑफ स्टीम चाहिए, दिस इज पर
प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी ऑफ स्टीम रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन. इज इट क्लियर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला सेज दैट कि 1 किलोवाट फॉर दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड. मास फ्लो रेट दिस इज केजी पर सेकंड. दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोवाट ऑफ पावर प्रोडक्शन. In this formula, one unit of electricity produced, this is mass of steam, not rate. This is mass of steam required for one unit of electricity production. Clear hai? Yes, sir. Yes. तो ये तुम्हारा SSC का formula हो गया. इस formula के हमें हम लोग use कर. दोनों में सब इसमें हम लोग दोनों formula की use कर सकते हैं. लेकिन इसमें एक beauty ये है. इस formula beauty ये है. यहाँ पर तुम देखो कि हम लोग देख रहे हैं यदि W नेट को बढ़ाएंगे, वर्क नेट को यदि इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन डिक्रीज होगा. क्लियर है? देख पा रहे हो? यदि वर्क नेटवर्क यदि नेटवर्क आउटपुट को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होता है. तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि यदि W नेट को यदि वर्क आउटपुट को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा. तो उसके आंसर क्या होगा, घटेगा सर, घटेगा, है ना. तो सुनने में लगता है कि भाई वर्कनेट को बढ़ाएंगे तो मतलब ये स्टीम भी ज्यादा कंजम्पशन करेगा. ऐसे SSC तो कहने का मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पावर प्लांट विथ लार्जर डब्ल्यू नेट विल हैव ए स्मॉलर SSC, हेंस द साइज ऑफ प्लांट इज स्मॉल. समझ रहे हो ना? नेट डब्ल्यू नेट को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन उतना कम होगा. इससे क्या होगा, प्लांट का साइज भी छोटा होगा. समझ रहे हो ना? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. अब हम लोग आते हैं कॉर्नोट वेपर साइकिल थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि तुमको पढ़ना है रैंकाइन, है ना. रैंकाइन से स्टार्ट करना है, लेकिन रैंकाइन से स्टार्ट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चूंकि रैंकाइन से डायरेक्टली तुम स्टार्ट करोगे तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है. हालांकि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा कॉर्नोट वेपर साइकिल को भी थोड़ा देख लो, है ना. इसके क्या इसके बाद तुम रैंकाइन में जाओगे तो तुमको समझने में आसानी होगी. कैसे हम लोग देखे थे कि वहाँ पर देख रहे थे कि वेपर कंप्रेशन में और एक रिवर्स कॉर्नोट रेफरेंस सिस्टम भी है. तो उसी तरह से जिस तरह से वहाँ वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम था उसके साथ रिवर्स कॉर्नोट था, उसी तरह यहाँ पर रैंकाइन और रिवर्स ये जो है कॉर्नोट वेपर साइकिल है. मतलब कॉर्नोट वेपर साइकिल एंड रैंकाइन वेपर साइकिल. वहाँ पर क्या था रिवर्स कॉर्नोट रेफरेंस सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम, जस्ट उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप था. उसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह की एनालॉजी है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉर्नोट वेपर साइकिल को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है. तो कॉर्नोट वेपर साइकिल में तो सबसे क्लियर है, सबसे पहले तो ये है कि ऑब्वियस है कि यहाँ पर हम लोग वर्किंग सब्सटेंस जो है यहाँ पे वाटर है, तो इस तरह का इसमें वो होगा. TS प्लॉट पर हम लोग देख रहे हैं. तो कोई भी साइकिल जो होता है बेसिकली क्या होता है, कॉर्नोट इंजिन, कोई भी कॉर्नोट इंजिन होगा वो दो टेम्परेचर के बीच यूज वो वर्क करता है, हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर. एनी कॉर्नोट इंजिन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट. इवन कोई भी इंजन होगा, तुम यूज करते हो तो एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है. वहां पर लिखा होता है कि ये इंजन जो है मैक्सिमम इतने टेम्परेचर पे काम करेगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर. यस, सुन पा रहे हो? यस सर. बोलो मनीष. मनीष सही समथिंग? नो सर, वो स्पीकर ऑन रह गया. ओके, चलो ठीक है. तो कहने का मतलब कोई भी इंजन वर्क करेगा तो उसमें एक टेम्परेचर लिमिट दिया होता है. नॉट ओनली कॉर्नोट इंजन, कोई भी इंजन होगा, कोई भी रेफ्रिजरेटर होगा, कोई भी मतलब किसी भी तरह का उसमें हीट पंप होगा. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दिस इज अ कॉर्नोट वेपर साइकिल, दिस वेपर पावर साइकिल वर्क्स बिटवीन दिस टेम्परेचर लिमिट, दिस TH एंड TL, ठीक है, हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर. अब देखो बेसिकली क्या होता है. सबसे पहले हम लोग बात करते थे, हम लोग जो यूज किए थे वर्ड यूज करते थे, एक बॉयलर है यहाँ पे, है ना. तो करते क्या हम लोग, एक कंप्रेसर, सबसे पहले वाटर को क्या करते हैं हम लोग, वाटर को यहाँ पे कंप्रेसर में सेंड करते हैं. वाटर को क्या करते हैं, कंप्रेसर में यहाँ पे हम लोग सेंड करते हैं और उसको कंप्रेस्ड वाटर को हम लोग कहाँ भेजते हैं, बॉयलर में भेजते हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कंप्रेसर है, ठीक है. वो कंप्रेसर क्या कर रहा है, यहाँ पे वाटर को यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, इस वाटर को सप्लाई कर रहा है. और ये आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन है ना, तो ये आइसेंट्रॉपिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रॉपी, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है,
तो इस वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंप्रेसर में हम लोग यहाँ पर सेंड किए, इस कंप्रेस्ड वाटर को अब यहाँ पर हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, बॉयलर में भेज रहे हैं। तो बॉयलर में क्या होता है, कोई भी चीज़ इसमें हीट होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन होता है, दिस इज बॉयलर, दिस इज कंप्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस दिस वाटर इज सेंट टू कंप्रेसर वेयर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन टेक्स प्लेस, दिस कंप्रेस्ड वाटर इज सेंट टू बॉयलर वेयर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, आफ्टर दिस अब जैसे बॉयलर में चला गया, तो बॉयलर में जो है मतलब ये कंप्रेशर है ना, कंप्रेशर से हम लोग वाटर को हम लोग बॉयलर में, तो बॉयलर में क्या होगा, हीट सप्लाई होगा, ऑब्वियसली क्या होता है बॉयलर में क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, हीट यहाँ पर सप्लाई किए। अभी जैसे हीट सप्लाई किए तो क्या हो गया, अब तुम ध्यान दोगे कि कंप्रेसर के एंट्री पे इसका ये किस कंडीशन में था, कंडीशन देखो, कंप्रेसर की एंट्री पे ये क्या है, लिक्विड प्लस वेपर, कंप्रेसर की एंट्री पे क्या है ये, इसका स्टेट क्या है, स्टेट क्या है इसका, लिक्विड प्लस वेपर। तो दिस लिक्विड प्लस वेपर ऑफ दिस वन इट इज सेंट टू कंप्रेसर, जो कंप्रेस होने के बाद क्या हो गया इसमें, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्योर लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब लिक्विड फॉर्म में जब यहाँ पे आने के बाद, नाउ दिस लिक्विड फॉर्म दिस वाटर सेंट टू बॉयलर, बॉयलर में क्या होता है, हम लोग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन कर रहे हैं, तो हीट एडिशन करने के बाद क्या हो गया, ये लिक्विड से क्या हो गया, अब ये सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियसली बॉयलर में पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। अब ये सैचुरेटेड वेपर जो है, अब इसमें हम लोग टर्बाइन में हम लोग एक्सपेंड करवा देते हैं, ये टर्बाइन है, दिस इज कॉल्ड टर्बाइन, सैचुरेटेड वेपर जो है इस वेपर को हम लोग टर्बाइन में हम लोग भेजते हैं, जहाँ पर एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड करने के बाद इसमें हम लोग जो है यहाँ पर क्या मिला, वर्क आउटपुट मिला, है ना, दिस इज डब्ल्यू टी टर्बाइन वर्क, कंप्रेसर पर क्या होता है डब्ल्यू सी, हम लोग काम कर रहे हैं, कंप्रेसर क्या होता है, वर्क इनपुट डिवाइस होता है, व्हाट इज कंप्रेसर, कंप्रेसर इज वर्क इनपुट डिवाइस, तो कंप्रेसर में वर्क करना पड़ा, टर्बाइन से क्या मिला, वर्क हमको मिला, तो ये एक्सपेंशन होने के बाद अब क्या हो रहा है यहाँ पर, टर्बाइन पर क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से क्या हो गया, लिक्विड प्लस वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर से क्या हो गया, ये वेट कंडीशन में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब जो है ये अब ये क्या होता है, ये कंडेंसर में यहाँ पे इन करता है, इसको कहाँ भेज देते हैं, कंडेंसर में यहाँ भेजते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहाँ से हीट रिजेक्शन हो रहा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन हो रहा है, और फिर इसे क्या हो रहा है ये, अब देखो इस दोनों कंडीशन में तुम बताओ कि यहाँ पे टर्बाइन एग्जिट पे और कंप्रेसर इनलेट पे कहाँ पे ड्रेन एक्सपेक्शन ज्यादा होगा, माय क्वेश्चन इज कि वेयर द ड्रेन एक्सपेक्शन विल मोर, वेदर एट टर्बाइन एग्जिट और कंप्रेसर इनलेट, इसको एक मान लें टर्बाइन एग्जिट पे सर, यस वेरी गुड, टर्बाइन एग्जिट पे जो है, अब इसको दी वन मान लें, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दैट मीन्स द ड्रायनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट टू इज ग्रेटर देन ड्रायनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट थ्री। क्लियर है, तो यहाँ पे वेपर ज्यादा है, यहाँ पे क्या है वेपर ज्यादा है, अब इसको यदि हम लोग कूल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसर में हम लोग यहाँ पे हम लोग कहाँ भेज रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग कंडेंसर में भेज रहे हैं, है ना, तो कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ कूल हो रहा है, तो कूल होगा तो ऑब्वियस क्या होगा, उसमें जब स्टेज थ्री पे पहुंचेगा तो वहाँ पे लिक्विड पार्ट ज्यादा होगा, वहाँ पे लिक्विड पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या था वेपर पार्ट ज्यादा था, जब उसको कूल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड पार्ट कम था वेपर पार्ट ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिक्विड पार्ट बढ़ गया वेपर पार्ट कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस साइकिल को हम लोग रिपीट करते हैं। क्लियर है, तो बेसिकली कॉर्नोट वेपर साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट, बॉयलर, फर्स्ट वन इज बॉयलर, नेक्स्ट वन इज टर्बाइन, थर्ड वन इज कंडेंसर एंड फोर्थ वन इज कंप्रेसर। क्लियर है, ठीक है, ये एक बार बता दीजिए। हाँ क्या क्या सर, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, तो शॉर्ट में बता रहे हैं, तुमको वही रिव्यू कर रहे हैं कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट, बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर एंड कंप्रेसर। क्लियर है, क्लियर है, बॉयलर में सैचुरेटेड लिक्विड, द सैचुरेटेड लिक्विड इंटर्स इनटू बॉयलर वेयर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन टेक्स प्लेस, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन टेक्स प्लेस, आफ्टर गेटिंग हीटेड दिस सैचुरेटेड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सैचुरेटेड वेपर। ओके
दिस सैचुरेटेड वेपर, दिस सैचुरेटेड वेपर नाउ एंटर्स इनटू टरबाइन वेयर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस. आफ्टर दिस एक्सपेंशन वी विल गेट सम वर्क आउटपुट डब्ल्यू टी एंड दिस एक्सपेंडेड स्टीम नाउ कन्वर्ट्स इंटू वेट वेट जोन. ओके नाउ दिस वेट स्टीम इंटर्स इंटू कंडेंसर कंडेंसर वेयर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस. ये कंडेंसर में इन करता है जहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन हो रहा है. आफ्टर दिस हीट रिजेक्टेड दिस वंस अगेन दिस सैचुरेटेड दिस इज द वेट स्टीम दिस वेट वेपर नाउ इंटर्स इंटू कंप्रेशर और वेर वेर दिस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन टेक्स प्लेस एंड इट कन्वर्ट्स इंटू सैचुरेटेड लिक्विड. क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यस सर क्लियर. ओके ये हमारा हो गया कॉर्नोट वेपर पावर साइकिल. अब देखो अब इसमें हम लोग देखते हैं. अब देखो अब इसमें हम लोग टर्बाइन वर्क क्या होगा. यहाँ पे इंथैल्पी एच वन है, यहाँ पे इंथैल्पी वन और टू के बीच यहाँ टर्बाइन इंस्टॉल्ड है, तो टर्बाइन वर्क क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच टू. ठीक है. कंप्रेसर इंस्टॉल बिटवीन थ्री एंड फोर. ठीक है तो यहाँ पे कंप्रेसर वर्क क्या हो जाएगा एच फोर माइनस एच थ्री, एच फोर माइनस एच थ्री. हीट सप्लाई क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच फोर, एच वन यूनिट क्या होगा यहाँ पे किलो जूल पर के जी, है ना, किलो जूल पर के जी, किलो जूल पर के जी. हीट सप्लाई हो गया. यदि हम हीट रिजेक्ट की बात करें तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा एच टू माइनस एच थ्री, एच टू माइनस एच थ्री. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है. अब देखो यदि कॉर्नोट, यदि चूंकि ये कॉर्नोट वेपर साइकिल है तो कोई भी कॉर्नोट वेपर साइकिल है तो उस कंडीशन एफिशिएंसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकते हैं वन माइनस टी एल बाई टी एच. यदि तुमको याद होगा कॉर्नोट इंजन की एफिशिएंसी यही एफिशिएंसी थी, तो तुम थर्मोडायनेमिक्स से तुम इसको पढ़े होगे कि कॉर्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो होती है टेम्परेचर के टर्म में वन माइनस टी एल माइनस टी एच होता है. ये तुम्हारा कॉर्नोट इंजन का एफिशिएंसी हो गया. इस एफिशिएंसी को हम लोग डब्ल्यू नेट बाई हीट सप्लाई भी लिख सकते हैं. तो डब्ल्यू नेट यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू नेट क्या हो गया, चूंकि ये क्या है हम डब्ल्यू नेट पे हीट सप्लाई, चूंकि ये क्या है, चूंकि ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है. ये क्या है वन टू थ्री फोर, ये क्या है एक साइक्लिक प्रोसेस है. वन टू थ्री फोर इज साइक्लिक प्रोसेस. तो हमको साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो क्या होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ नेट हीट ट्रांजिशन. तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे चारों प्रोसेस में यहाँ पे हीट ट्रांजिशन जो होगा वही होगा वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर, फोर टू वन. अब देखो ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है. क्यू वन टू टू क्या हो गया, क्यू वन टू टू में क्या हो रहा है, यू क्यू वन टू टू में चूंकि आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस में किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होता है. ठीक है. माइनस क्यू टू टू थ्री यहाँ पे क्या है, टू टू थ्री में हीट रिजेक्ट हो रहा है, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो माइनस क्यू हीट रिजेक्टेड, माइनस साइन है चूंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है. थ्री टू फोर में फिर कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा. अब फोर टू वन में हीट सप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा. तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे हो गया, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू नेट इजकल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड बाई हीट सप्लाई, है ना. इसको वन माइनस क्यू रिजेक्टेड बाई हीट सप्लाई भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू नेट इजकल टू क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड, देयरफॉर वन माइनस क्यू रिजेक्टेड बाई क्यू सप्लाइड. तो क्यू रिजेक्टेड क्या हो गया हमारे पास एस टू माइनस एस थ्री है, एस टू माइनस एस थ्री है, हीट सप्लाइड क्या है एच वन माइनस एच फोर है. तो यहाँ पे इफिशियंसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इफिशियंसी ऑफ दिस कॉर्नोट इंजन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो. इफिशियंसी का दो फॉर्मुला हो गया वन माइनस टी एल बाई टी एच एंड नेक्स्ट फॉर्मुला इज वन माइनस एच टू माइनस एच थ्री बाई एच वन माइनस एच फोर. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ना सर. ओके अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखे हुए वन टू टू क्या है, वन टू टू में, वन टू टू में क्या कर रहे हैं हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, है ना. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है इन टर्बाइन, है ना, टर्बाइन हो रहा है. टू टू थ्री में क्या हो रहा है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ पे कंडेंसर में. थ्री टू फोर में क्या हो रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कहाँ पे कंप्रेशर में, है ना. फोर टू वन में आइसोथर्मल हीट एडिशन कहाँ हो रहा है बॉयलर में, है ना. तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब देखो इसमें ड्रॉबैक्स पूछ रहा है इसमें. अब आगे हम लोग देख रहे हैं ये हमारा हो गया कॉर्नोट वेपर साइकिल. इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे. तो पहले ड्रॉबैक्स देख लो. तो ड्रॉबैक्स में क्या हो गया, सबसे पहले तो आ जाओ कंडेंसर में. यहाँ पे कंडेंसर में जो है तुम देख रहे हो ना कि कंडेंसर में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्री पे क्या हो रहा है, ये पे इंट्री पे ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा है,
एंट्री पे जो स्ट्रीम यहाँ पे वेट, ये जो वेट वेपर यहाँ इन कर रहा है उसका क्या है, ड्रेन इंस्पेक्शन ज्यादा है, एग्जिट पे ड्रेन इंस्पेक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है, तो क्वालिटी ऑफ जो वेपर है ना वो डिक्रीज कर रहा है। ड्रेन इंस्पेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसको क्वालिटी अच्छा है, वेपर में जितना ज्यादा मतलब वेट वेट वेपर में जितना ज्यादा मतलब गैसियस फेज हो उतना अच्छा क्वालिटी माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वेपर डिक्रीजेस, क्योंकि एट पॉइंट टू दिस ड्रेन इंस्पेक्शन इज मोर देन, एट पॉइंट टू दिस ड्रेन इंस्पेक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ड्रेन इंस्पेक्शन एट पॉइंट थ्री, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्वालिटी जो है क्वालिटी यहाँ पे वैरी कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंडेंसर का डिजाइनिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, कंडेंसर का डिजाइनिंग चूंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वालिटी यहाँ वैरी कर रहा है, द डिजाइन एंड कंट्रोल ऑफ पार्सियल, इसको पार्सियल कंडेंसर बोलते हैं, इज डिफिकल्ट। वाई, बिकॉज x3 इज लेस देन x2, x3 इज लेस देन x2, चूंकि यहाँ पर x यहाँ पे क्या हो रहा है ना, x क्या कर रहा है, यहाँ पे वैरी कर रहा है ना, x यहाँ पे वैरी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसका डिजाइन एंड कंट्रोल जो है ना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंडेंसर का। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट बात जो इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन ए कंप्रेसर, भाई कंप्रेसर के साथ वही प्रॉब्लम है कि इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेसर में भी यहाँ तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे एंट्री पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्री पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वेट वेट वेपर इन कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड प्लस वेपर दोनों है, और एग्जिट पे क्या हो गया, ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है, समझ रहे हो। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में ब्लेड होता है, कंप्रेसर में क्या होता है, ब्लेड होता है, इस ब्लेड में भाई स्टार्टिंग में तो चलो कुछ मतलब यहाँ पे कुछ बेहतर भी था कि एंट्री पॉइंट पे भी यहाँ पे कुछ वेपर भी था, तो चलो कुछ क्वालिटी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो कहने मतलब क्या हो गया, इस पर बहुत ज्यादा इस इरोजन, टर्बाइन ब्लेड का इरोजन बहुत ज्यादा होता है, तो कंप्रेसर में भी जो है ना इसीलिए वर्क कंप्रेसर पर ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लिक्विड पार्ट बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया, लिक्विड पार्ट का ज्यादा मोमेंटम होता है, ज्यादा मोमेंटम होने की वजह से कंप्रेसर वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो टर्बाइन से हमको वर्क मिल रहा है और कंप्रेसर वर्क भी बहुत ज्यादा है, तो नेट वर्क क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू नेट यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, डब्ल्यू नेट क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज कंप्रेसर वर्क इज मोर, है ना। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन ए कंप्रेसर टू हैंडल मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर, ऑब्वियस है कि भैया यहाँ पर जो लिक्विड वेपर फेज में है और फिर से वो कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो डिजाइनिंग जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नेगेटिव वर्क ज्यादा होता है इस कंप्रेसर में, नेगेटिव वर्क कंप्रेसर 3 to 4 इज वेरी लार्ज, हेंस नेट वर्क आउटपुट लेस। अभी हम लोग जस्ट हम लोग इस पॉइंट को हम लोग मतलब डिस्कस किए थे। अब देखो, टर्बाइन दैट हैज टेकन सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम को लिया, अब प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसेस एग्जॉस्ट स्टीम एट पॉइंट टू, ठीक है, जाहिर सी बात है जो वहां एग्जॉस्ट स्टीम पे जो पॉइंट टू है उसमें क्या है, वेट रीजन में The liquid water droplets in high velocity exhaust the steam causes erosion of turbine blades. Clear है ना, ये point clear है ना? Yes. So these are the drawbacks of Carnot vapor cycle. इस तरीके से हम लोग Carnot vapor cycle का हम लोग drawbacks देखते हैं, ठीक है? एक numerical देख लेते हैं। एक Carnot steam, हाँ बोलो। इसमें मतलब वाटर जो है सर, सेम वाटर सर्कुलेट होते रहता है या फिर दूसरा उसमें इन करता है? देखो, इसमें कुछ फीड वाटर भी डालते हैं हम लोग, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कंडेंसर जो है, कंडेंसर क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है ना, कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है, तो चूंकि वाटर जो है ना इसमें जो उसमें वेपर जो है ना कुछ उसमें लूज भी होता है, कुछ वेपर उसमें लॉस भी होता है कि नहीं। तो एक बॉयलर में तुम देखोगे ना, तुम पढ़ोगे आगे कि बॉयलर में तुम देखोगे तो बहुत सारा बॉयलर का माउंटिंग और एक्सेसरीज होता है ना, तो इसमें कुछ फीड वाटर भी डालते हैं, कुछ वाटर इसमें लॉस भी होता है कि नहीं। जो पानी कम होगा तो वहाँ पे सेंसर, वहाँ बहुत सारा उसमें उसमें उसका अलग अलग भाल्व होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो उसका जो इंस्पेक्शन इंजीनियर होता है ना, वो देखता है कि उसमें बॉयलर का पानी तो वहाँ पर कम नहीं हो गया, वो सारा चीज़ वहाँ पे बॉयलर माउंटिंग एक्सेसरीज में वो वहाँ पे इंडिकेट होता रहता है कि वहाँ पे, लेकिन उसमें एडिशनल वाटर भी लगता है। क्लियर है? Yes. उसको हम लोग बोलते हैं फीड वाटर। उसे तुम जब तुम बॉयलर पढ़ोगे तो उसमें तुम देखोगे बॉयलर में माउंटिंग, अलग अलग तरह का बॉयलर होता है, उसमें बॉयलर का माउंटिंग और एक्सेसरीज होता है ना, उसका बॉयलर का एक अलग ही बहुत एक बेहतरीन उसमें कंसेप्ट है उसमें। चलो ये हम लोग वर्किंग देखते हैं कि आखिर ये स्टीम पावर प्लांट काम कैसे करता है, मतलब कार्नोट वेपर साइकिल काम कैसे करता है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। अब टरबाइन है तो भाई टरबाइन में बहुत सारी चीजें हैं, तो टरबाइन के लिए एक अलग ही उसका जो तुम पढ़ोगे अभी, तुम्हारे इस
अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स में टर्बाइन भी तुम पढ़ोगे, कंप्रेसर भी तुम पढ़ोगे, नोजल भी तुम पढ़ोगे, बॉयलर तो इसमें नहीं है लेकिन बॉयलर का भी एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। चलो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक तरह से कह सकते हो सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर है, ये गवर्निंग इसी पे गवर्न होता है। तो चलो एक एक कार्नोट स्टीम साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन ठीक है। हाँ, एक कॉर्नेट स्टीम साइकिल ऑपरेट बिटवीन दिस वन। अब देखो तो हम लोग हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये कोई भी स्टीम इंजन होगा, कोई भी इंजन होगा तो एक टेम्परेचर लिमिट के बीच काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, लोग करते हैं देखते हैं इंजन इस न्यूमेरिकल में, वर्क्स बिटवीन, यहाँ वर्किंग टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है, कॉर्नेट स्टीम साइकिल ऑपरेट बिटवीन 3110 311.06 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रेशर कितना है, इसे प्रेशर है 10 MPa, 10 MPa, एंड सिंक टेम्परेचर, ये सोर्स का हो गया, सिंक टेम्परेचर कितना है 32 point, एंड प्रेशर इज, यहाँ पर प्रेशर क्या है 5 kPa, ठीक है। डिटरमाइन द वर्क रेशियो, है ना। हाँ, तो वर्क रेशियो यहां पर हम थोड़ा हम लोग देख लें, देख देख पा रहे हो। यस सर। हाँ, एक मिनट, एक टर्म यहां पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, वर्क रेशियो होता है इसमें डब्ल्यू नेट बाई डब्ल्यू टी होता है। तो यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू नेट क्या हो गया, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी, और यहाँ पर डब्ल्यू टी हो गया, तो 1 - WC/WT, यही हमारा वर्क रेशियो हो गया, इसको हम लोग आर से डोट करते हैं। तो वर्क रेशियो इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क बाई टर्बाइन वर्क, क्लियर है ना, दिस इज 1 - WC/WT, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क रेशियो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी निकालना है हम लोग, यहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी निकालना है, फिर स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन निकालना है, क्लियर है क्वेश्चन में। यस सर। ओके, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको स्टीम टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टीम टेबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टीम टेबल को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टीम टेबल को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टीम टेबल तुमको देखना पता होना चाहिए। स्टीम टेबल बेसिकली क्या होता है ना, इस स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि स्टीम टेबल को यूज़ कैसे करते हैं, स्टीम टेबल का यूज़ भी सीखेंगे और स्टीम टेबल को हम लोग कैसे देखते हैं उसी के से हम लोग जो है ना इसका हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखो स्टीम टेबल में सबसे पहले देखो, हम लोग पहले पेज में है, यहाँ पर लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम, मतलब सैचुरेटेड वाटर मतलब समझ में आ रहा है, सैचुरेटेड वाटर सैचुरेटेड है, स्टीम इज सैचुरेटेड, मतलब ये सैचुरेटेड वाटर और स्टीम जो होगा इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड, ये टेम्परेचर बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्लियर है। जैसे ये टेम्परेचर बेसिस पे है, मतलब कहने मतलब ये हो गया कि 0.01 डिग्री सी टेम्परेचर पे
उसका सेचुरेशन प्रेशर कितना होगा, इतना मेगा पास होगा। अब 0.10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिस क्वांटिटी स्पेसिफिक वी एफ, मतलब यदि कहने का मतलब ये है कि यदि यदि हम कोई भी टेम्परेचर ले, यहाँ पे कोई टेम्परेचर यदि हम ले ले 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड लेट अस सपोज, इस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, इसका सेचुरेशन प्रेशर क्या होगा 0.00617 है ना, ये मेगा पास्कल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया 6.17 किलो पास्कल हो जाएगा, ये इसका सेचुरेशन प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेम्परेचर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है ना, जो फ्लूड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लूड है और यहाँ पे वेपर है, तो इस पे जो फ्लूड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा दिस क्वांटिटी जी वी जी, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ दिस वन वी जी दिस क्वांटिटी, इंटरनल एनर्जी यू एफ इस पॉइंट पे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूड है ना कि नहीं, यू एफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूड दिस इज यू एफ, यू एफ यहाँ पे जीरो होगा, यू जी स्पेसिफिक यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वेपर फॉर्म में है जी है, तो यू जी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस वेपर दिस वन इज 23 दिस वन, फिर एच एफ मतलब इस पॉइंट पे एच एफ स्पेसिफिक एंथैल्पी एच जी है ना, एच जी एफ मतलब ये एच जी माइनस एच एफ एच जी माइनस एच एफ, इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू दिस वैल्यू, कहने का मतलब है फिर एस एफ स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ दिस सैचुरेटेड फ्लूड एस जी स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ दिस सैचुरेटेड वेपर एस जी इस पॉइंट पे, कहने का मतलब टेम्परेचर बेसिस पे है, क्लियर, ये टेम्परेचर बेसिस पे है, इज इट क्लियर, यस यस सर। हाँ ये देख रहे हो पूरा टेम्परेचर ये बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, हम लोग टेम्परेचर बेसिस पे है, नेक्स्ट होगा प्रेशर बेसिस पे होगा। टेम्परेचर देखो कहां तक जा रहा है, ये हाँ देखो ये 373 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया, ये मतलब 373 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जो 21.814 मेगा पास्कल क्या होगा, इसका इसका सेचुरेशन प्रेशर होगा, ये वी एफ है, ये वी जी है, ये यू एफ है, ये यू जी है, ये ऐसे करके हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी यहाँ निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट टेबल जो होगा ये है प्रेशर बेसिस पे, ठीक है, याद रखना होगा, नो याद नहीं रखना है, अरे कितना याद करोगे, ये वैल्यू तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा, स्टीम टेबल का बुक भी आता है ना, यस बुक भी आती है, अरे आर एस क्रूमी की बुक आती है, बहुत सारी बुक आती है, तो तुम स्टीम टेबल तुम परचेज कर लो, ठीक है, या तुम अभी तुम फॉर द टाइम बीइंग ये हम तुम्हारे इसमें क्लास नोट्स में तुम्हारा हम डाल दिए हैं, ठीक है, इसको गूगल क्लासरूम में डाल दिए हैं, तो उसको तुम यहाँ से तुम मतलब डाउनलोड कर लेना, लेकिन तुम्हारे पास ये डेटा आइदर दिस डेटा विल बी गिवन इन क्वेश्चन, जैसे कि तुम गेट वगैरह में तुम अपियर होगे, गेट के एग्जामिनेशन दोगे, तो यदि इस डेटा का रिक्वायरमेंट होगा तो सारा डेटा तुम्हारे क्वेश्चन में दिया जाएगा। इंजीनियरिंग सर्विस में भी कोई चीज़ बाहर से कुछ अलाउड नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जामिनेशन में बैठोगे या यूपीएससी में बैठोगे तो उस कंडीशन में जो है तुमको ये सारा डेटा तुम्हारे क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये डेटा तुमको दिया हुआ नहीं रहेगा, तुमको स्टीम टेबल लेके जाना है, क्लियर है ना, यस, यू हैव टू कैरी दिस स्टीम टेबल, स्टीम टेबल को यहाँ पे एचओडी से प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई करवा लेना है कि दिस इज ऑथेंटिक मटेरियल और इसको ये अलाउड है, ठीक है, तो अब ये जो है इसी तरीके से इसको तुम कैरी करना, तुमको याद नहीं करना, इसको याद करना पॉसिबल भी नहीं है, तब नेक्स्ट टेबल जो है वो है सेम सैचुरेटेड वाटर स्टीम का ही है, अब प्रेशर दो यहाँ पे प्रेशर बेसिस पे है, वहाँ पे क्या था टेम्परेचर बेसिस पे था, अभी ये प्रेशर बेसिस पे है, तो प्रेशर बेसिस पे चलेगा ये पूरा इसमें पूरा जो मेगा पास्कल में है ना 9 मेगा पास्कल ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है, चलो तो कहाँ तक गया ये 22 मेगा पास्कल, चूंकि हम लोग पहले न्यूमेरिकल में आते हैं, चूंकि हम उसमें थोड़ा सा देख के कुछ आइडिया तुमको मिल जाएगा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर तुम देखो 10 मेगा पास्कल पे ये 311.06 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब तुम स्टीम टेबल में आ जाओ, तुम सीधे आ जाओ तुम उसमें, और चूंकि ये क्या है सैचुरेटेड यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है, यहाँ सैचुरेटेड वेपर है, हम लोग लिक्विड वेपर में देखेंगे इसको, लिक्विड वेपर में हम आएंगे 10 मेगा पास्कल में आएंगे, देखो 10 मेगा पास्कल यहाँ पे आ जाओ, हाँ देखो 10 मेगा पास्कल है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे किस में आ गए, प्रेशर वाले में आके देख रहे हैं, यहाँ पर 10 मेगा पास्कल देख रहे हो, देख पा रहे हो तुम लोग, यस सर,
10 मेगा पास्कल है, सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 310.97 है, जी सर 310.97। देखो ये टेम्परेचर है ऐसे एकदम थोड़ा सा क्लोजर ही होता है, ये यहाँ पे 311.06 है जो कि उसे क्लोजर है कि नहीं। तो 10 मेगा पास्कल पे, 10 मेगा पास्कल सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 310.97, ठीक है। इससे कोई मतलब हमको नहीं है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हमको दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों क्लोजर ही है, एकदम दोनों एकदम वो है, वेरी सिमिलर वैल्यू है। अब देखो 10 मेगा पास्कल पे हमको क्या निकालना है, तुम ये सारी प्रॉपर्टी तुमको लिख लेना होगा, सारी प्रॉपर्टी तुमको लिख लेना होगा, ठीक है ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे जो है इस न्यूमेरिकल में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इस स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लिख ही लेते हैं इसको है? एट 10 मेगा पास्कल, तो क्या सब 10 मेगा पास्कल क्या सब है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, एचएफ तुम लिख लो, एचएफ 108.1, एचएफ 1408 है ना, 1408.1 किलोजूल पर केजी। एच जी देखो, एच जी है 27.5 किलोजूल पर केजी, ठीक है। एच एफ जी तो सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे एच एफ जी आ जाएगा, इसलिए एच एफ जी का रिक्वायरमेंट यहाँ हमको नहीं है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। एस एफ देखो 3.3 किलोजूल पर केजी केल्विन है ना, ये एसएफ है। एसजी देख लो 5.616 किलोजूल पर केजी। देखो तो अब क्वेश्चन में यहां पर है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये क्वेश्चन कार्नोट स्टीम पंप है, कार्नोट स्टीम साइकिल है, तो कार्नोट स्टीम साइकिल का पहले डायग्राम पहले बना लो, इसमें दो टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है तो हम लोग कार्नोट स्टीम साइकिल साइकिल पहले बना लिए, ठीक है सर। 1 2 3 4 बन गया, डायरेक्शन भी दे लेते हैं, ये सब कर लो अपना जो भी इनिशियल वर्क है। अब चलो अब बताइए एच एफ कहाँ का, ये एच एफ है किस पॉइंट का एच एफ है, ये 10 मेगा पास्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, जल्दी देख के बताओ फटाफट। 4 का सर, 4 का, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर, 4 का है, ठीक है। एच जी कहाँ का है? 1 का, 1 का। एस एफ कहाँ का है? 3 का। 10 मेगापास्कल पे ही है एस एफ, एस 1 है, यस सर, सॉरी एस 4 है, और ये एस जी जो है ये एस 1 है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो हमको इंथैल्पी चाहिए भाई साहब, हमको सब जगह का यहाँ पे इंथैल्पी चाहिए, तो तुम हम इस पे एच वन जो है, एच वन तो हमारे पास आ गया डेटा से, एच फोर भी हमको मिल गया, स्टैंडर्ड वैल्यू मिल गया, एच वन एच फोर तो हमको स्टैंडर्ड वैल्यू से मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ अब हमको चाहिए एच टू, एच टू के लिए हम, एच टू क्या होगा, एच टू होगा क्या, एच अब टू आ गया, दैट मीन्स ये आ गया अब किस पे, 5 किलो पास्कल पे, 2 पॉइंट किस पे है, 5 किलो पास्कल पे है, 2 पॉइंट लाइज आउट 5 किलो पास्कल, तो 5 किलो पास्कल पे भी हम लोग चेक कर लेंगे, पहले लिख लेंगे। तो 5 किलो पास्कल में आ जाइए, 5 किलो पास्कल मतलब हो गया 0.005 मेगा पास्कल, एम आई राइट? या 5 पास्कल 0.005 पे आ जाओ, ये आ गए हम लोग यहां, चेक करो, ठीक है 0.005 किलो मेगा पास्कल, हमको चाहिए 5 किलो पास्कल पे, क्या चाहिए 5 किलो पास्कल पे। अब इसमें देख लो ये सब वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है ना, तो क्या सब चाहिए हमको, हमको चाहिए एच एफ,
137.75 किलो जूल पर केजी। हमको चाहिए एचजी, हमको चाहिए एसएफ और हमको चाहिए एसजी, चार वैल्यू को चाहिए। एचजी 2560.7, 2560.7, 2560.7 किलो जूल पर केजी। एसएफ 0.4762 किलो जूल पर केजी केल्विन। एंड एसजी इज 8.3938 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अब देखो yes. अब हाँ, अब हमको चाहिए, हमको चाहिए, वी नीड दिस एच टू। एच टू क्या होगा? एच टू जो होगा इस 5 किलो पास्कल पे, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे एच एफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एच जी हो जाएगा, है ना। तो एच एफ एच टू क्या होगा, एच एफ प्लस एच टू एच एफ जी, है कि नहीं। ये किस किस पे, एट 5 किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे एच एफ भी पता है, एच एफ जी भी पता है, हमको एच टू नहीं पता। एच टू कैसे पता करेंगे? एच टू के लिए हम लोग इंट्रॉपी को यहाँ पे 1 and 2 किया है, आइसेंट्रॉपी प्रोसेस है। 1 and 2 इज आइसेंट्रॉपी प्रोसेस, है ना। तो आइसेंट्रॉपी प्रोसेस में क्या होगा, एस वन इजकल टू एस टू हो जाएगा। एस वन क्या हो गया, एस वन है एस जी एट 10 MPa, है ना, है कि नहीं। एस वन एस जी एट 10 MPa। एस टू क्या हो जाएगा, एस एफ प्लस एच टू एस एफ जी एट 5 किलो पास्कल, है कि नहीं। तो एस जी एट 10 MPa दिया हुआ है 5.616, एस एफ एट 5 किलो पास्कल हमको यहाँ से हम लोग निकाल देख चुके हैं, एस एफ 0.4762, एक्स टू एस एफ जी एस जी माइनस एच एफ 8.3938 - 0.4762, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स टू। क्लियर है, यहाँ से मिल जाएगा एक्स टू। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में तुम देखोगे यहाँ सॉल्व किया हुआ है, यू विल गेट एक्स टू इजकल टू 0.649, है ना। 5.6141, 0.4764, दिस वन ऑल वैल्यूज फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड टेबल। ठीक है, तो एक्स टू का वैल्यू आ गया। अब एक्स टू का वैल्यू आ गया तो टू यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, एच टू इजकल टू एच एफ प्लस एक्स टू एच एफ जी। तो एच एफ का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है एच टू में, है कि नहीं। यस दिस वन, हाँ, तो एच एफ का वैल्यू हमारे पास है ही, एक्स टू निकाल चुके हैं, एच जी एच एफ सब कुछ वैल्यू है, यहाँ से हमको एच टू मिल गया। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एच वन था, एच टू निकाल लिए, एच फोर भी हमारे पास है ही, है ना, एच फोर स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टीम टेबल से निकाल चुके हैं। अब एच थ्री के लिए वही फंडा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एच फोर इजकल टू एच थ्री। तुम्हारे होमवर्क के लिए तुम इसको सॉल्व कर लो, अपने अपने नोट में सॉल्व करके तुम दिखाओगे अगले दिन, है कि नहीं। एच फोर इजकल टू एच थ्री कर लोगे ना। यस सर, हाँ, एच फोर इजकल टू एच थ्री कर लेंगे। यहाँ पे सब किया हुआ है, तुम्हारे पास सब यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। एच फोर इजकल टू एच थ्री, एस फोर इजकल टू एस थ्री करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज एस फोर, क्या हो जाएगा, एस एफ एट 10 MPa एस फोर। एस थ्री क्या हो जाएगा, एस एफ प्लस एक्स फोर एस एफ जी एट 5 किलो पास्कल। तो यहाँ से जो है तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको एक्स फोर मिल जाएगा, एक्स फोर में सॉरी एक्स थ्री हो जाएगा, सॉरी एक्स थ्री मिल जाएगा। एक्स थ्री मिल जाएगा तो क्या निकालना है, यहाँ पे एस थ्री निकाल लोगे, एच एफ प्लस एक्स थ्री एच एफ जी, ये निकाला हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे तुमको एक्स थ्री मिल गया, एक्स थ्री मिल गया, तो यहाँ से तुमको एस थ्री मिल गया, एस थ्री मिल गया, तो एस थ्री का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 1020 किलो जूल पर केजी। एच फोर तो ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू एच फोर है, है ना, एच फोर तो हमारे पास, तो हमारे पास सब आ गया, एच वन आ गया, एच टू आ गया, एस थ्री आ गया, एच फोर आ गया। ठीक है, फर्स्ट वर्क इज दैट हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि 1 and 4 तो स्टैंडर्ड पॉइंट पे है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 2 and 3 के लिए हम लोग निकाल लिए, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है वर्क रेशियो, है कि नहीं। तो डब्ल्यू सी के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू सी पहले निकालो, तो डब्ल्यू सी क्या होगा, एच फोर माइनस एस थ्री हो जाएगा, है कि नहीं। 3 to 4 में कंप्रेसर इंस्टॉल्ड है, तो एच फोर माइनस एस थ्री, यहाँ डब्ल्यू सी निकल गया। तो ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी बाय डब्ल्यू, या तो तुम यहाँ पर तुम डायरेक्टली पुट कर दो ना,
आर इजकल टू वन माइनस डब्ल्यू सी बाय डब्ल्यू टी है कि नहीं, तो वन माइनस डब्ल्यू सी क्या हो गया, डब्ल्यू सी क्या हो गया एच फोर माइनस एच थ्री, और डब्ल्यू टी क्या हो गया एच वन माइनस एच टू, डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे, है कि नहीं, ये तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास वर्क रेशियो आ गया 0.6178, क्लियर है, वर्क रेशियो क्लियर है, यस ओके। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन एसएससी के लिए तुम्हारे पास 3600 बाय डब्ल्यू नेट है, तो 3600 बाय डब्ल्यू नेट तुम्हारा आ गया, डब्ल्यू नेट क्या है डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी, डब्ल्यू टी तुम मतलब निकाल चुके हो, डब्ल्यू सी निकाल चुके हो, डब्ल्यू नेट यहाँ तुम निकाल चुके हो, तो यहाँ पे सिंपली इसको पुट कर देना तो ये तुमको आ जाएगा दिस वन। कहने का मतलब वन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए 5.747 की केजी स्टीम चाहिए, समझ रहे हो, एसएससी का मतलब ये हो गया कि फॉर वन केजी वन यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी नीड 5.747 केजी ऑफ स्टीम, ठीक है। इफिशियंसी आ जाओ, इफिशियंसी के लिए क्या करना है, इफिशियंसी को तुम वन माइनस क्यू रिजेक्टेड बाई क्यू सप्लाइड, क्यू रिजेक्टेड क्या है, क्यू रिजेक्टेड क्या है एच टू माइनस एच थ्री रिजेक्टेड है, सप्लाई क्या है एच वन माइनस एच फोर है, है कि नहीं, पुट कर दो यहां से तो यू विल गेट एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखे कॉर्नोट मेथड, क्लियर है, यस ओके। नेक्स्ट क्लास में अब बोलो, जैसे इसमें प्रेशर के कोरस्पोंडिंग सर वो अलग अलग इंथाल्पी सब निकाले सर, उसी तरह से इसमें टेम्परेचर लिमिट भी दिया हुआ था, तो सर टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग निकाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, तो यू विल गेट सेम वैल्यू, जी सर कर सकते हो तुम, एकदम कर सकते हो, क्योंकि देखो उस प्रेशर पे 5 किलो पास्कल, नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया सर, ठीक है ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रैंकिन साइकिल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। बोले सर वो रीजनरेशन जो पढ़ाए थे ब्रेटन साइकिल पे उसका इफेक्ट वगैरह उसका लेक्चर का वीडियो सर डाल देते अगर ग्रुप में, अच्छा ठीक है ठीक है, लेक्चर वो हमको लगता है वो मतलब डाला हुआ नहीं है क्या, नहीं सर ग्रुप में वीडियो नहीं डाला, अच्छा ठीक है उसको हम देखते हैं अभी। ये तुम्हारा रहा, एक मिनट इसको तुम अभी तुरंत 2 मिनट में फिलअप करके भेज दो, ठीक है, ठीक है ओके ओके मेरी नेक्स्ट क्लास।